हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजधानी एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में चोरी। ट्रेन के B1 कोच में चोरों ने दिखाया फन का कमाल। महिला यात्री के पर्स व नकदी पर किया हाथ साफ। दिल्ली से अहमदाबाद जा रही राजधानी एक्सप्रेस के वातानुकूलित कोच में चोर ने फन का कमाल दिखा दिया। चलती ट्रेन में B1 कोच में यात्रा कर रही महिला यात्री का पर्स व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। यात्री की ओर से रेलवे प्रबंध को सूचना दी गई, जिस पर ट्रेन के आबू रोड पहुंचने पर GRP रिकॉर्ड किया, लेकिन यात्री ने किसी भी तरह की प्राथमिकी देने से मना कर दिया। दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में B1 कोच के परिवार के सदस्यों के साथ सीट 35-36 पर यात्रा कर रही महिला यात्री का पर्स व नकदी चोरी हो गया। अहमदाबाद के शाही बाग स्थित दीप ज्योति अपार्टमेंट निवासी प्रीति जाजू की ओर से रेलवे प्रबंधन को चोरी होने के बारे में जानकारी दी गई। चलती ट्रेन में चोरी होने की सूचना से रेलवे प्रबंधक भड़कम मच गया। इस बारे में आबू रोड GRP को सूचना दी गई। ट्रेन के आबू रोड पहुँचने पर GRP हेड कांस्टेबल बालूराम व कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ट्रेन पर पहुँचे। संबंधित यात्री ने GRP के समक्ष जमकर रोष का इजहार किया, चलती ट्रेन में चोरी होने पर सवाल खड़े किए, सुरक्षा में खामी बताया। GRP ने यात्री से प्राथमिकी देने का निवेदन किया, लेकिन यात्री ने प्राथमिक देने से मना कर दिया। अहमदाबाद में ही आवश्यक कार्रवाई करने का हवाला दिया। गौरतलब है कि ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए GRP व RPF के ट्रेन गार्ड चलते हैं। सूत्रों की माने तो राजधानी एक्सप्रेस में भी RPF के 5 ट्रेन गार्ड मौजूद थे। इसके बावजूद चलती ट्रेन में चोरी होना सुरक्षा में सेन का परिचायक है। वहीं ट्रेन गार्ड की मौजूदगी में चोरी होना सवालों के घेरे में है। जागरूक टीवी की आबू रोड से खास रिपोर्ट।